था कि भोपाल में उस दिन 6 मार्च को आंदोलन रखा गया था, तब आप लोगों से इतना निवेदन किया गया और सब आप ही के लिए था वो आंदोलन, और आंदोलन नहीं था, एक तरह से गवर्नमेंट को, व्यापम को, बच्चों की आप बीती जो समस्याएं थी उससे अवगत कराना हमारा उद्देश्य था। लेकिन एक बच्चा उस दिन भोपाल नहीं आया। अब आप रो रहे हो कि हमारा रिजल्ट सर कट ऑफ, हमारा कट ऑफ इतना ज्यादा गया कि सर आपने बोला था कि 60-65 वाले का फिजिकल में मौका मिलेगा, या नहीं मिला। अब बच्चे क्या करने लगे, कुछ बच्चे यहाँ पर कमियां गिनाने लग गए हैं, कमियां निकाल रहे हैं। तो भैया उस दिन कहाँ थे आप लोग जब आपको बुलाया गया था, उसके इर्द गिर्द व्यापम के आप चक्कर लगा रहे थे और घर बैठे बैठे आप तमाशे तमाशे देख रहे थे और तालियां ठोक रहे थे। अब जब आप फेल हुए तब आपको पता चल रहा है, और फिर भी आप जो है गलतियों पर गलतियां निकाल रहे हो। और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे 87% और 13% का रोना रो रहे हैं कि सर 13% में हमारा हुआ है, हम क्या करें। ये भी मैंने आपको बोला था, अगर उस दिन आप सभी एकजुटता दिखाते तो 113% पे भर्ती आती, और 113% कब लागू होता है, ये होता फिजिकल के बाद में। और जो नियम पहले यहां पर लाया गया था कि गांव के बच्चों को इस बार मौका मिलेगा, तो कट ऑफ यहां पर पूरा पूरा कम जाने की संभावना थी। लेकिन अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब तो एक ही विकल्प है आपके पास, आप आगे की तैयारी करें और इस मौके में मत रो, और इस फिराक में आप लोग मत रो कि कोई आपके लिए आवाज उठाएगा या दोबारा से री एग्जाम होगा या फिर यहाँ पे री नॉर्मलाइजेशन वाला कुछ प्रोसेस होगा। ऐसे भरोसे मत रहना और इस भ्रम में आप कोई बच्चा मत रहना, ये मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, ठीक है। और आपको किसी पे उंगलियां उठाना है, किसी की गलतियां आपको गिनाना है, तो बेशक करो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी भी आप देखो बोर्ड के ऊपर कुछ चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन हो रही है, यहाँ पर लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि बच्चे, जो बच्चे एग्जाम में नॉट क्वालिफाई हुए हैं, उन्होंने दोबारा से अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर दी है। हाँ, 2-4-8 दिन सबको ऐसा लगा है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद दोबारा से अपनी तैयारी यहाँ पर चालू कर दी है। उनमें से कुछ बच्चे जिन्होंने आर्मी का फॉर्म यहाँ पर सबमिट किया था, अब वो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अग्निवीर में क्या है आपका, देखिए कुल 50 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, और 50 प्रश्न यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का है, इस हिसाब से 100 नंबर का क्या आ रहा है, आपका एग्जाम आ रहा है। और 100 नंबर में अगर आप देखोगे यहाँ पर जीके में, देखिए कि जीके आर्मी अग्निवीर में कुल प्रश्न आएंगे 15, और यहाँ पर जीएस के आप देखेंगे तो 15 प्रश्न है, गणित के आप यहाँ पर देखेंगे तो गणित के आपके प्रश्न है 15, और रीजनिंग के भी जो प्रश्न है आपके वो है दोस्तों कितने, 5। यानी आप टोटल करेंगे तो यहाँ कितने हो रहे हैं, 50, यानी कि कुल प्रश्न कितने हो रहे हैं 50, और 50 मल्टीप्लाई एक प्रश्न 2 अंक का है बच्चों, तो कितने हो गए आपके 100 अंक, यानी 100 अंक का आपका पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के होंगे। अभी भी समय है आपके पास, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला है, 22-23 मार्च इसकी आखिरी है, एक बार और ऑनलाइन जाकर आप संपर्क कर सकते हैं एमपी ऑनलाइन पे। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है फॉर्म डाल दो, जिनकी उम्र यहाँ पर 20 से 21 साल के आसपास है वो बच्चा जाकर आर्मी अग्निवीर में अप्लाई कर सकता है। चूंकि आपकी फिजिकल की तैयारी तो भैया यहाँ पर 6 महीने से बेहतर चल रही है, तो उससे अच्छा है कि आप दूसरों पे उंगलियां उठाए, आप बस फालतू के कमेंट करते रहे। 13% के कुछ बच्चे रोने रो रहे हैं, तो 13% वाले रोने रोने से क्या होगा। मैंने आपको हमेशा बोला है फिजिकल की आप तैयारी करते रहो। देखो फिजिकल गवर्नमेंट ने अगर आपको क्वालिफाई किया है तो कुछ तो सोच के क्वालिफाई किया होगा भैया। अगर उनको नहीं लेना होता तो स्पष्ट नोट क्वालिफाई आपको कर देते, 87% पे वो क्या कर लेते हैं यहाँ पर भर्ती कर देते। लेकिन 13% अगर उन्होंने लिया है और इसको होल्ड कर रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपको क्वालिफाई कर रखा है, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। अब उन बच्चों से जाके मिलो ना, उन बच्चों के पेरेंट्स से मिलो जिनको नॉट क्वालिफाई लिखा हुआ है, उनकी तो पूरी उम्मीद ही यहाँ पर गई पानी में। तो आपको 13% में रखा है, इसका मतलब यह है कि सरकार आपके सब्र को देखना चाहती है कि वो कितना पेशेंस बच्चे में है। आपको सब्र बनाए रखना है, सब्र रखना है, और निरंतर आपको रनिंग करते रहना है। जिनको ये लगता है कि हमारा नहीं होगा तो वो इधर उधर जाकर यूट्यूब पे सर्च मत करो, गूगल पे सर्च मत करो, किसी से जाके बेतुके सवाल मत करो, किसी को जाके डीमोटिवेट मत करो, कमेंट फालतू के मत करो। उससे बेहतर है आप नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट लेवल की आप तैयारी करें। एमपी पुलिस कांस्टेबल के मैंने आपको कई बार बोला है बच्चों, 5000 से अधिक पद यहाँ पर आने वाले हैं और 2024 में ही आएंगे, तो निराश होने वाला है, यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई काम ही नहीं पड़ता है। जिसको रेलवे पे भरोसा है, लेकिन रेलवे का देखो जो प्रक्रिया है वो काफी देरी से होती है, तो जिनको रेलवे में जाना है वो आप क्या करो, 15 अप्रैल से आपके फॉर्म यहाँ पर, 15 अप्रैल को आपकी डेट आ रही है, फॉर्म यहाँ पर डलने शुरू हो जाएंगे। तो आप रेलवे की तैयारी करना हो तो 15 अप्रैल तक इंतजार करो, है ना। लेकिन पढ़ना आपको आज ही से पड़ेगा, और सबसे बेहतर मैं तो कहता हूँ जो अभी यंग है वो बच्चे हमारे, आर्मी की तैयारी आप करते रहे, बहुत शानदार मौका यहाँ पर मिला है, और बैठे ना, समय बर्बाद मत करो बच्चों। 13% वालों से मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ बच्चों ने क्या किया है, एकेडमी छोड़ दी, गांव चले गए, ठीक है ना, कमरे खाली कर दिए, इससे क्या होगा। सोचो जिस दिन आपके फेवर में रिजल्ट आ गया,
है ना, उस दिन आप क्या करो, मैं कह रहा हूँ कोई आपके आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा, फिर आपको पछतावा होगा, फिर भी आप दूसरों से गाइडलाइन मांगोगे कि आप कम समय में तैयारी क्या कैसे करें, यूट्यूब पे सर्च करोगे, एक ही सवाल सब बच्चे करता रहता है। इसलिए तैयारी आज ही से करो, विश्वास रखो खुद के ऊपर, और जिस भी ऊपर वाले को भगवान को आप मानते हैं उन पर आप विश्वास रखो कि 13% वाला जो है हर बच्चे के पक्ष में आ जाए और सभी को सिलेक्शन उसमें मिल जाए, जो होगा वो फिजिकल में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए एक नए वीडियो के साथ में मैं आपके बीच में पुनः लौटूंगा। अभी बस मुझे बात करनी थी, गुस्सा था कि यार आप लोग क्यों भ्रमित हो रहे हैं, क्यों आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई में फोकस करो बच्चों। एक बार अगर इस पढ़ाई से पढ़ने से लिंक टूट गई ना, दोबारा वापसी नहीं कर पाओगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तो फिर ज्यादा डिप्रेशन में आओगे। इसलिए बार बार रोने मत रो, जब आपका 13% वाला मैटर क्लियर होगा, अभी सुनवाई अप्रैल में भी उसकी, तो इकट्ठा रो लेना, बार बार रोने से बढ़िया इकट्ठा बैठ के रो लेना अगर आपको ऐसा लगता हो, ठीक है। लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाने आया हूँ, बढ़ाता रहूंगा, और आगे भी यही प्रयास रहेगा मेरा कि कोई बच्चा घर ना बैठे, हर बच्चा सरकारी नौकरी करे, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छा लगा अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, कोई डाउट हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम हमेशा आपको जवाब देने के लिए, आपके डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।